है, तो जब हम लोग इंडियन डेजर्ट की लोकेशन की बात करेंगे तो पहली चीज क्या बोलिए, ये कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स, है ना, अपने आप में ये क्या है, सैंडी प्लेन है, सब जगह सैंडून से ही कवर्ड है, बारिश बहुत कम होती है, क्लाइमेट सूखा है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, इट हैज एन एरिड क्लाइमेट एंड अ लो वेजिटेशन कवर, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ी रिवर है जिसका नाम क्या है, लूनी, ठीक है ना। एग्जाम में 1 मार्कर्स में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर बर्चन्स, ये बर्चन्स एडिट क्लाइमेट लिखा बी AR ठीक है ना। बर्शन क्या होते हैं बेटा, क्रीसेंट, मतलब चांद के शेप के, इस तरीके के क्रीसेंट शेप के सैंड ड्यून्स होते हैं, क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, आ रही है बात समझ में, ठीक है। और ये बेसिकली बहुत ज्यादा एरिया क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। और ये कब प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में, ठीक है ना, कहाँ पाक बहुत ज्यादा ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये कोस्टल प्लेन्स आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो अपने आप में क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हमको पहली फुर्सत में तो क्या करना है कि बताना है वेस्टर्न कोस्ट वेस्ट साइड पे और ईस्टर्न कोस्ट ईस्ट साइड पे, और उसके 3 डिवीजन बताने हैं, और उसके 3 डिवीजन बताने हैं, ठीक है ना। देखो, द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें काय में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, तो जहां हम लोग लिखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ये कहाँ होंगे, अलोंग अरेबियन सी, ये कहाँ होंगे, अलोंग अरेबियन सी। और जब हम लोग बात करेंगे किसकी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, किसकी बात करेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये कहाँ लाए करेंगे, अलोंग बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ लाए लाए करेंगे, अलोंग बे ऑफ बंगाल, आई बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि एक तरफ अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो अरेबियन सी है, अगर ये मेरा कोस्टल प्लेन्स है तो यहाँ पे तो क्या है, अरेबियन अरेबियन सी, और यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न घाट्स। तो हम लोग बोलते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो किसके बीच में सैंडविच किए हुए हैं, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो किसके बीच में सैंडविच है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। अब इसका अगर 3 पार्ट स्टडी करें तो इसके जो 3 पार्ट होते हैं वो होते हैं ए बी और सी। ए बी में ए होता है हमारा कोंकण कोस्ट, ठीक है ना। कोंकण कोस्ट बेसिकली मुंबई गोवा वाले रीजन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मुंबई गोवा वाले रीजन को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, देख कोंकण CKONKAN, ठीक है। इसके नीचे होता है क्या, कन्नड़ प्लेन, इसके नीचे क्या होता है, कन्नड़ प्लेन, मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है, कन्नड़ प्लेन, और जो तीसरा पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं मालाबार कोस्ट, क्या कहते हैं, कोर्ट मालाबार कोस्ट, ठीक है। यही कहानी जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे आओगे तो देखोगे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के भी 2 डिवीजन है, दो,
एक होता है नॉर्दर्न किरदार, पहले इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्दर्न किरदार सिरकार, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, क्या कहते हैं? कोरोमंडल ठीक है, नॉर्दर्न कोस्ट ये ईयर सरकार, सी आई आर सी ए आर। ठीक है, स्टार लगा के दो पॉइंट लिखेंगे। लार्ज रिवर्स लाइक, लार्ज कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोरो सरकार, सी आई आर सी ए आर। लार्ज रिवर्स, लार्ज रिवर्स कौन कौन सी है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, हम ये कनाड प्लेन के नीचे क्या लिखा है वहां? जो ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, कृष्णा, ये ईस्ट कोस्ट पे क्या काम करती है, डेल्टा फॉर्म करती है, दे फॉर्म अ डेल्टा। आई बात समझ में? और ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लेक चिलिका। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज? लेक चिलिका। लेक चिलिका इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बेटे इसमें अपन को दो तरह के आइलैंड पढ़ने, कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। पहले हम लोग लक्षद्वीप पढ़ेंगे और उसके बाद अंडमान और निकोबार में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे जो आइलैंड्स है वो इंडिया के सदर्न साइड में, यानी कि इंडियन ओशन में क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है ना? अब ये जो आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया है उसमें से सबसे पहले हम लोग कौन सा देखेंगे? लक्षद्वीप। ठीक है ना? जब हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं, जब हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड की बात करते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स कौन है? कावरत्ती। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? कावरत्ती। हाँ हेडक्वार्टर मतलब यहाँ की जो गवर्नेंस चलती है वो कहाँ से चलती है? तो दैट इज कावरत्ती। ठीक है ना? ये कहाँ लाया करता है? मालाबार, मालाबार कोस्ट पे। कहाँ लाया करता है? मालाबार मालाबार कोस्ट। ठीक है ना? कोलर आइलैंड्स है, ठीक है ना, क्लोज टू मालाबार कोस्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट कैसे आइलैंड है? कोरल। कोरल बेटा बहुत अलग डाइवर्सिफिकेशन या बहुत अच्छा क्या होता है, फीचर होता है। ठीक है ना? पहले ये तीन पार नाम से जाना जाता था, कौन से? लैकेडीव, मेनिकॉय एंड अमींदे, एंड अमींदे। ठीक है, आजादी के बाद 1973 में, 1973 में इसका नाम मिनिकॉय, सी ओ वाई, मिनिकॉय। मिनी अच्छा, मिनी ठीक है, मिनी 1973 में इसका नाम क्या रख दिया? लक्षद्वीप रख दिया। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ बना दिए? कावरत्ती में बना दिए। आई बात समझ में? इसका एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। आई बात समझ में? यहाँ पे फ्लोरा और फौना की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, डाइवर्सिटी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, और पिट्टी आइलैंड जो है उसके पास एक बर्ड सेंचुरी। पिट्टी आइलैंड हैज अ बर्ड सेंचुरी।
इनहैबिटेड है, इनहैबिटेड है मतलब वहां पे ज्यादा लोग रहते नहीं नहीं। भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हाँ हाँ ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ लाए करते हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो पहले अपन लोग डाल लेते हैं क्या हमारी प्यारी सी हेडिंग, कौन सी? अंडमान निकोबार एंड निकोबार आइलैंड, डिफरेंस करना है। ठीक है। सॉर्ट ऑफ पहला पॉइंट कॉमन है, दे लाए इन बे ऑफ बंगाल, लाए इन ठीक बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। जब हम लोग अंडमान की बात करते हैं, जब हम लोग अंडमान की बात करते हैं तो ये साइज में क्या है? बड़े हैं, बिगर इन साइज, ठीक है, न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, बहुत फैले हुए भी हैं और बहुत सारे भी हैं, न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, फैले हुए भी ठीक है। अंडमान कहाँ लाया करता है? नॉर्थ में। और निकोबार कहाँ लाया करता है? साउथ में। तो साउथ जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम लोग अंडमान बोलते हैं, और जो सदर्न पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ही दोनों को फर्स्ट पॉइंट देखिए नहीं, ये वाला, ए वाला सही में, बी वाला बिगर अंडमान है। नहीं यार, ये वाला मत साइज देखो, ये कॉमन ले लो पॉइंट, एक सेकेंड का जब मैं मिटा सकती हूँ तुम भी मिटा सकते बिगर साइज का हो। चलो पहला पॉइंट क्या है ना, कहाँ लाया करते हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। लक्षद्वीप से कंपेयर करें तो ये बिगर है, बिगर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, ठीक है। अंडमान कहाँ लाया करेंगे? नॉर्थ में। निकोबार कहाँ लाया करेंगे? साउथ। आई बात समझ में? ये हमारे देश के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के काम आते हैं, मतलब जो हमारा नेवी वाला पोर्शन है तो वो नेवी जो है वो यहाँ से काफी हद तक क्या होता है, कंट्रोल होता है या एक्सपांड होता है। तुमने सुना होगा ना, अभी ऑप्टिकल फाइबर लगा रहे हैं इंडिया में, एक प्रोजेक्ट आया है ऑप्टिकल फाइबर लगा रहे हैं लाइन सी के अंदर से अंडमान निकोबार में। अच्छा नेटवर्क आएगा वहां पर, और उससे क्या होगा, जो भी आपको सैटेलाइट और इमेजेस वगैरह चाहिए बहुत जल्दी से मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है बेटा? इक्विटोरियल टाइप का क्लाइमेट है। क्यों है इक्विटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट? बिकॉज दे लाई नियर इक्वेटर। हाँ, इक्विटोरियल दोनों का टाइप ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पे भी हम लोग को बहुत अच्छी क्या मिलती है, बायोडायवर्सिटी मिलती है। बहुत हैंग हो रहा है यार आज का। इक्विटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट और वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं। बस बोर्ड बहुत अटक रहा है, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने। चलो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ, अब अच्छे लग रहा है, ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, ठीक है ना। अब सारे फिजिकल फीचर्स देख रहे थे, सबसे पहले क्या है?
हिमालयास। दूसरे हमने कौन से देखे थे? नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना। तीसरा हमने कौन सा देखा था? डेजर्ट, नहीं सॉरी, प्लेटू। ठीक है, चौथा हमने कौन सा देखा था? डेजर्ट। पांचवा हमने क्या देखे थे? कोस्टल प्लेन्स। और लास्ट में हमने देखे थे क्या? आइलैंड्स। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, हिमालयस की बात करते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिलता है? हिमालयस नदी, पहला वाटर और दूसरा फॉरेस्ट वेल्थ। दूसरा क्या मिलता है? फॉरेस्ट वेल्थ, ठीक है ना। इसके अलावा देखें ना, तो हिमालय जो है हमको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये क्या है? इंडिया की ग्रेनरीज है। ग्रेनरीज मतलब हमारा जितना भी खाना अनाज आता है वो सारा कहाँ से आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये बेस फॉर सिविलाइजेशन भी है। बेस फॉर सिविलाइजेशन यानी कि हम लोग जो एक जगह पर रहना सीखे, खेती करना सीखे, वो सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नॉर्दर्न प्लेन से ही स्टार्ट हुआ था। आई बात समझ में? ठीक है, प्लेटो जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स मिलेंगे तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है ना। मिनरल्स की वजह से ही हमारे देश में क्या हो पाता है? इतनी सारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेजर्ट हमारे लिए अपने आप में क्या प्रोवाइड करता है? टाइम सोलर एनर्जी। जो हाँ, सैंड जो है वो सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा काम आती है इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, ठीक है ना। कोस्टल प्लेन्स दो चीजें, एक तो फिशेस प्रोवाइड करती है और दूसरा पोर्ट एक्टिविटीज। जितना भी हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और लास्टली क्या है बेटा? आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। लास्टली क्या है? आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, ठीक है ना। आइलैंड हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फा, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आई बात समझ में?